भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी करने वाले पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने अपने बयान को लेकर अब माफी मांग ली है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अखिल गिरी ने नंदग्राम में एक सभा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रंग रूप को लेकर शर्मनाक टिप्पणी की थी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है। अखिल गिरी ने अपनी सफाई में यह कहा है कि मैंने राष्ट्रपति कहा था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर भारत की राष्ट्रपति अपमानित महसूस करती है तो मैंने जो कहा उसके लिए मुझे खेद है। आपको बता दें कि अखिल गिरी की पार्टी टीएमसी ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई है। टीएमसी ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। अखिल गिरी ने इस दौरान कहा कि मेरा इरादा माननीय राष्ट्रपति का अपमान करने का नहीं था। बीजेपी नेताओं ने मुझ पर जो जुबानी हमला किया है मैं उसका जवाब दे रहा था। मैं इस तरह की टिप्पणी करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे देश के राष्ट्रपति के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। दरअसल नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी नेता ने यह कहा था कि वे सुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। आप कितने सुंदर हैं, हम किसी को उनकी शक्ल से नहीं आंकते हैं। हम राष्ट्रपति के कार्यालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रपति कैसा दिखता है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।